नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। दोस्तों कैसे हो? आज हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है ECIL के डिपार्टमेंट से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के डिपार्टमेंट से। यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर असिस्टेंट के पद हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके वैकेंसी डिटेल्स, साथ ही आपको बता देते हैं कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों उससे पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसी लेकर आएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का क्विज क्वेश्चन है, ओलंपिक म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं लंदन, न्यूयॉर्क, जेनेवा या फिर मुंबई। अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसकी वैकेंसी डिटेल्स। दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एम्प्लॉयमेंट टाइप है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। इसका मतलब है कि आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ऑल इंडिया जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है? तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है। जॉब लोकेशन है कर्नाटका, मुंबई। और यहाँ पर पोस्ट का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के पद हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट के पद हैं और टेक्निकल असिस्टेंट के भी पद हैं। अगर एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें इनकी, तो दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिप्लोमा और डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है BSc इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट। वहीं टेक्निकल ऑफिसर के लिए एडुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री विद 60% मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके एज लिमिट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स। वहीं टेक्निकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। पे स्केल क्या मिलता है? तो दोस्तों यहाँ पर पे स्केल काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर पे स्केल मिलता है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ₹17,498। वहीं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी सेम मिलता है और टेक्निकल ऑफिसर के लिए मिलता है ₹21,000। और इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल, यहाँ पर ये जॉब जो है वो वॉकिंग पे बेस्ड है। यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स को हमारी वेबसाइट पर आकर पढ़ने हैं। मैं आपको इस पेज का, जो कि आप देख रहे हो अपने डिवाइस के स्क्रीन पे, इस पेज का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप सिंपली इस पेज पर आकर सारे डिटेल्स को पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद। दोस्तों यहाँ पर ये जॉब वॉकिंग पे बेस्ड है, तो यहाँ पर वॉकिंग का डेट है असिस्टेंट के लिए 17 जून और वॉकिंग का डेट है टेक्निकल ऑफिसर के लिए 18 जून 2018। स्क्रीन पे आपको 4 लिंक शो कर रहे हैं, 2 है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, 2 है इसके एप्लीकेशन फॉर्म के। आपको पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना है, उसके बाद ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके वॉकिंग पे पहुंच के अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए रोजाना ही सरकारी नौकरियों की जानकारी लेकर आते हैं। अब हम मिलते हैं एक नए सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।